पश्चिम बंगाल मामले में शीर्ष अदालत के पास पहुंची सीबीआई, सुनवाई होगी आज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमिश्नर ने सबूत मिटाने के बारे में सोचा भी तो बहुत पछताएंगे। कुंभ के इतिहास में कल प्रयागराज में हुआ सबसे बड़ा शाही स्नान, 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। अयोध्या में भूमि अधिग्रहण कानून को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती, जनता ने याचिका दायर कर कहा संसद को अयोध्या की जमीन पर अधिग्रहण का कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं। और अगस्ता वेस्टलैंड डीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले मामले में मध्यस्थ विजय माल्या को ब्रिटेन से भारत लाने का रास्ता हुआ साफ, माल्या ने कहा प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ अपील करूंगा। शारदा चिट फंड घोटाले में सीबीआई के एक्शन का ऐसा रिएक्शन हुआ है कि बीजेपी विरोधी खेमा एक बार फिर एक मंच पर आ गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्षी दलों की इस मोर्चाबंदी ने सियासत का रुख पूरी तरह बदल दिया है। कांग्रेस जहां इस घटना को एकजुटता के लिए एक बड़ा अवसर मान रही है, वहीं बीजेपी घोटालेबाजों के गठजोड़ का दावा कर महागठबंधन के अस्तित्व को खत्म करने का करार दे रही है। साथ ही ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राजदार को बचाने का आरोप भी लगा रही है। ऐसे में सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा कुछ है जिसकी पर्दादारी हो रही है। कन्या कुमारी का बिंदा पार्वती के दारों का बांग्ला थे आसाम, आसाम थे उड़ीसा, उड़ीसा थे चेन्नई, चेन्नई थे अंध्रप्रदेश, अंध्रप्रदेश थे मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश थे दिल्ली, दिल्ली थे काश्मीर, सकले ही किन्तु आंदोलन के समर्थन जानिए एवं प्रत्येक राजनैतिक दल অল স্টেট পলিটিক্যাল পার্টি এবং ফেডারেল যারা স্ট্রাকচারকে বিশ্বাস করে আমরা তাদের প্রতি বারবার কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আমরা বলি আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল লড়াই নয়, এটা কালেকটিভ লড়াই। আমি এখনও আশা করব গণতন্ত্র যেন গণতন্ত্রের পথে চলে, আইন যেন আইনের পথে চলে, মিডিয়াকে যদি কন্ট্রোল করে নেওয়ার নামে মিডিয়াকে কথা বলতে না দেওয়া হয়, গণতন্ত্রকে যদি কন্ট্রোল করে নেওয়ার নামে গণতান্ত্রিক ভাবধারায় মানুষকে কথা বলতে দেওয়া না হয়, জুডিশিয়ারি আমরা রেসপেক্ট করি, জুডিশিয়ারিকেও যদি কেউ মনে করে আমি ইন্টারফেয়ার করব, এই জিনিসগুলো যা হচ্ছে প্রত্যেকটা এজেন্সি দিয়ে সবাইকে একটা কুপ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এই জিনিস কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়। কারোর সাথে কারো আমাদের বিরোধ হতেই পারে, আদর্শগত বিরোধ, কিন্তু তাই বলে মানুষকে এভাবে প্রত্যেকটা সেকশনে মানুষকে বিজেপির বিরোধিতা করা মানে। इन सभी सवालों का जवाब तलाशने के लिए चिटफंड केस के हर एक पहलू को समझना बहुत जरूरी है। शारदा चिटफंड और रोज वैली पश्चिम बंगाल के दो बड़े ऐसे आर्थिक घोटाले हैं जिनमें निवेशकों की रकम को कई गुना बढ़ाने का लालच दिया गया था। जब कंपनियों ने बड़े पैमाने पर रकम जमा कर ली तब कंपनियां पैसों के साथ 9-2-11 हो गई। इन दोनों ही घोटालों में जनता के तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए कंपनियों ने डकार लिए। अब आपको बताते हैं कि किस तरह शारदा चिटफंड घोटाले को अंजाम दिया गया। शारदा चिटफंड घोटाला करीब 2500 करोड़ रुपए का बताया जाता है, जिसमें सागौन कारोबार के बॉन्ड्स में निवेश करने पर 25 साल बाद 34 गुना रिटर्न देने का वादा किया गया था, तो वहीं जनता को आलू के बिजनेस में 15 महीने में ही रकम दोगुनी करने का लालच दिया गया था, जिसके बाद 10 लाख लोगों ने शारदा चिटफंड में निवेश किया था। सुदीप्ता सेन जो कि शारदा कंपनी की चेयरपर्सन थी, वहीं तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कुणाल घोष जो कि कंपनी के मीडिया डिवीजन के प्रमुख थे, इनके साथ ही पार्टी के एक और सदस्य का फोटो इस कंपनी के विज्ञापन में बड़े जोर शोर के साथ छापा गया था। 2013 में लोगों का पैसा समेटकर कंपनी बंद हो गई, सुदीप्ता सेन लापता हो गई और लंबे समय से यानी 13 अप्रैल 2013 के बाद से उनका कोई पता नहीं है। रोज वैली घोटाला करीब 1500 करोड़ रुपए का घोटाला होने का दावा किया जाता है। इसमें भी आशीर्वाद और हॉलिडे मेंबरशिप स्कीम में पैसा लगाकर रकम कई गुना बढ़ाने का वादा किया गया था। कंपनी ने इस दावे से लोगों को लुभाया और करीब 1 लाख निवेशकों के करोड़ों रुपए वसूल कर कंपनी लापता हो गई। शारदा ग्रुप ने सिर्फ 4 साल में ही पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में 300 से ज्यादा ऑफिस खोल लिए थे। रोज वैली और शारदा चिटफंड मामले में
सीबीआई ने अब तक 80 चार्जशीट फाइल की है, जिसके बाद 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा रिकवर भी किए जा चुके हैं। सीबीआई ने आशंका जाहिर की है कि इन घोटालों की जांच से जुड़े कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार सबूतों को नष्ट कर रहे हैं। यही कारण है कि सीबीआई की एक टीम उनसे पूछताछ करने के लिए कोलकाता गई थी, लेकिन देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सीबीआई अफसरों को उल्टा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, यानी कि बंगाल पुलिस ने सीबीआई अफसरों को ही गिरफ्तार कर लिया। राजीव कुमार पश्चिम बंगाल कैडर के 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। इस घोटाले की जांच करने वाली पश्चिम बंगाल पुलिस की एसआईटी टीम की अगुवाई 2013 में राजीव कुमार ने ही की थी। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि एसआईटी जांच के दौरान कुछ खास लोगों को बचाने के लिए घोटाले से जुड़े कुछ अहम सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी हुई थी, इसके बाद उन्हें हटा भी दिया गया था। सीबीआई राजीव कुमार से इसी सिलसिले में पूछताछ करना चाहती थी। पुलिस के साथ टकराव के बाद सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची और दलील दी कि पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। फिलहाल सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होना पड़ेगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार शिलांग में सीबीआई के सामने पेश होंगे। सुनवाई के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई ने कोलकाता कमिश्नर राजीव कुमार पर सवाल भी किया कि आखिर उन्हें पूछताछ से दिक्कत क्या है। चीफ जस्टिस ने कहा कि राजीव कुमार को पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश होना चाहिए और जांच में सहयोग करना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि हम पुलिस आयुक्त को खुद उपलब्ध कराने और पूरी तरह से सहयोग करने का निर्देश देंगे। हम बाद में अवमानना याचिका से भी निपटेंगे। कोर्ट ने सीबीआई की अवमानना याचिका पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को अवमानना नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर जवाब देखने के बाद जरूरत पड़ी तो अधिकारियों को 20 तारीख को निजी तौर पर भी पेश होना होगा। अगर ऐसा होता है तो 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट उन्हें खुद सूचना दे देगा। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी के इस कदम ने पश्चिम बंगाल में शासन के लोकतांत्रिक कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस बात को एक दिन पहले अनुसूचित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली को रोकने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने बीजेपी की कई रैलियों को रोकने की कोशिश की है, जिसकी भारी निंदा भी हुई थी और साथ ही इसे ममता सरकार का अलोकतांत्रिक रवैया भी करार दिया गया था। फिलहाल अब यह मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर हो गया है, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पनपे इस विवाद ने सियासी भूचाल मचा दिया है और जांच एजेंसियों की प्रक्रिया को राजनीतिक अखाड़े में तब्दील कर दिया है। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए लाइव खबर के साथ। नमस्कार।